सभी से एक बार रितेश जी सभा में आए हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मेरा भाई मुंबई खाली आता है, कुछ नहीं था उसके पास, आज वो यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा है, आज उनका प्यार लेके जा रहा है, बहुत कुछ लेके जा रहा है, बहुत कुछ दे के भी जा रहा है। कहते हैं कि कोई अपने साथ कुछ लेके नहीं जा रहा, हमारा भाई हमारे साथ बहुत प्यार लेके गया, आप लोगों का सभी का दिल से लेके गया, बहुत जज्बा था उसमें, कभी नेगेटिव बात नहीं करता था, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता था, फ्यूचर की प्लानिंग करता रहता था, बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, प्लान ए प्लान बी प्लान सी सब होते थे उसके पास, कभी नेगेटिव नहीं होता। पिछले 1.5 महीने से बहुत पॉजिटिव था, तो भाई मेरी सब चीज़ कंट्रोल में है, अब मैं सब पूरा मैनेज दूँ, एक्सरसाइज करता था, क्रिकेट खेलता था, उसके हेल्थ टेस्ट बड़े अच्छे आए थे, बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर आगे चल के भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, जब तक ये मेरे साथ चल रहे थे जब मैं चल रहा हूँ, बाकी और भी बहुत चीज़ें सोचता रहता था, सभी के लिए हेल्पफुल था, किसी को कभी ना नहीं बोलता था, हमेशा डांस करता रहता था, गाने गाता रहता था, गाने गाने का बहुत शौक था, हर सिचुएशन पे कोई ना कोई गाना सुना देता। एक गाना वो हमेशा गाता था, खूबसूरत बात ये चार पल का साथ ये सारी उम्र मुझको रहेगा यार, एक अजनबी हसीना से मुलाकात से, जब भी खुश होते थे यही गाना गाता, चला गया भाई हमारा। आप लोगों की श्रद्धा तभी मेरे लिए तो प्लेयर ही था, मुझे पता नहीं था कि वो कोई एक एक्टर है या किसी सीरियल में काम करता है, लेकिन जब मेरी बातचीत स्टार्ट हुई उसने मुझे जब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सो बहुत बार मैं उसके साथ वॉक लेता था यहाँ पे, उसकी बातों से लगता था कि काफ़ी एम्बिशियस था, उसे बहुत कुछ करना था, बहुत छोटी सी एज थी उसकी, काफ़ी मैच्योर एट दिस एज आई मस्ट से, कि शायद उसने जो मुझे ये भी याद है कि बहुत ही छोटे टाइम पहले ही उसने शादी किया था, उसका बेटा हुआ था, उसने हमें काफ़ी चीज़ों में हमें उसने सारी बातें कही थी, उन चीज़ों को जब वो बातें करता था इतना आनंदित रहता था, इतना उत्साहित रहता था, वो जब भी कोई भी बात करता था उसके मुँह से हर बार अच्छी और ऐसी बातें होती थी जो अगले को भी खुश करे और हमें भी खुश, मतलब वो भी खुश रहता था। मैंने ये देखा था कि लास्ट 6 महीने में ही उसने 6 से 8 या 1 साल में, शायद उसकी वाइफ भी नॉर्थ इंडिया से थी तो वो मिंगल होना चाहता था ये सोसाइटी में, सबके साथ रिलेशन रखना चाहता था, लास्ट 6-8 महीने मैंने ऑब्जर्व किया था कि वो हरेक के साथ मिल के बात करता था, वो किसी को भी छोड़ता नहीं था और वो इतने दिल से संबंध रखता था सबके साथ, तो मेरे को ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये उसका काफ़ी अनफॉर्चुनेट है और मैं देखो मैं उनको मेरी और सबकी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके फैमिली को, कि वो बहुत ही अच्छी प्योर एंड प्योरेस्ट सॉल थी और मुझे भी लगता था कि उसका बहुत अच्छा यहाँ पे फॉर्चून था, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। Are you
पदम पद्मम मन 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 मन
नहीं, हम सबके लिए बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर शायद हमारी लाइफ में अंडू बटन होता या एक दिन डिलीट कर सकते, काश, क्योंकि हम अगर शूटिंग नहीं होती थी तो दीपू और हम कभी जिम में मिल जाते थे, कभी हम यहाँ वॉक करते हुए मिल जाते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलीव करना ही बहुत मुश्किल है। बस भगवान से बहुत यही बोलूँगी, दिस इज़ सो अनफेयर, उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। और उसका बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल का है, ऐसी जो चला जाता है वो तो फिर भी मुक्त हो जाता है सारी दुनियादारी से, बट जो पीछे रह गया अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो जस्ट दीपू, उनको ब्लेस करना, मैं यही बोलूँगी, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को ब्लेस करना, एंड जस्ट जहाँ भी हो सुख से हो और शांति से हो। बस दैट्स इट, आई एम सो सॉरी। See, I have nothing more to say, because Devesh was a very good, he was like a friend. It was like, it's been very less time since I've been on sets, but Devesh was one of those who was like really close to me. वो जब भी मुझे मिलता था, like कहीं भी रहे, दूर से भी, भाभी जी करके आके, you know, he used to always shake hands. कुछ भी situation हो, कहीं से भी आके shake hand करके जाता था। मतलब जब सुना तो like everyone, I was really shocked. And I couldn't believe, उस दिन मेरा उसके साथ में सीन लगा था, लाइक वी वर सपोज टू शूट टुगेदर, एंड वन डे प्रायर वी वर शूटिंग टुगेदर। सो इट्स शॉकिंग एंड रियली वेरी वेरी सैड, एंड आई डोंट नो व्हाट टू सीन एनी मोर। एक दिन पहले कुछ रील्स भी आई थी बाहर, काफी इमोशनल मोमेंट था, आपको कभी पता चला कि लाइक मुझे उससे जब हुआ तो दोपहर में मेरे पास न्यूज़ आई, मुझे रोहित जी का फ़ोन आया कि तुम्हें पता चला, मुझे लगा मुझे नहीं पता कुछ भी। जब उन्होंने बताया तो मतलब मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाई, इट वाज रियली रियली शॉकिंग एंड इट वाज रियली सैडनिंग फॉर ईच ऑफ अस। आई थिंक सब लोग उसी शॉक से गुजर रहा है, इतना यंग, इतना जॉली, इतना इतना टैलेंटेड, इतना हेल्दी, लाइक उस वो सब कुछ था, ही हैड एवरीथिंग, लाइक वो ना स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग, कोई भी ऐप नहीं था उसमें। सबसे बड़ी बात, आजकल ज़िंदगी इतनी अनप्रडिक्टेबल हो गई है ये सब के बाद, तो क्या बोले मैं इस चीज़। और जब हमने ये न्यूज़ आपको पता चला, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, आपने किससे बातचीत की, उनके फैमिली मेम्बर से कुछ बातचीत हुई आपकी? आई वॉज नम, आई जस्ट कुडंट टॉक। मैं थोड़ी देर के लिए मैं तो चुप हो गई थी, मतलब मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि हुआ क्या, आई कुडंट से एनीथिंग लाइक लिटरली, बिकॉज अभी मैं उस लड़के के साथ कल शूट कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स घर वालों को ही बोला, एंड घर वालों ने सबसे पहले मुझे वो किया कि ठीक है, जस्ट थोड़ा अपने आप को कंपोज करो, एंड देन सो आई डेंट नो वॉट टू से, क्योंकि इतना मैं इनकी इसकी फैमिली को नहीं जानती थी, मैं कुछ महीने से सेट पर थी, लेकिन ये इतना क्लोज था, ये इनफैक्ट सभी लोग TMT के इनके रूम में जाते थे, मैं 2 दिन पहले जाके इनको बोल रही थी कि मैं चलो हम लोग कुछ बनाते हैं साथ में, हम लोग कुछ YouTube पे ये करते हैं वो करते हैं, एंड ही वाज गिविंग मी आइडियाज। काफी लोग दुखी है इस चीज को लेके, अब तक समझ नहीं पा रहे सर क्या कुछ हुआ है,
देखिए ये तो हम सबके लिए बहुत ही दुखद घटना रही है। भाभी जी घर पर एक लोगों के साथ तो बहुत बड़ा ही सदमा है, क्योंकि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर वो था, और वो जो टीका मलखान टिल्लू की तिकड़ी थी उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य वो था, उसका जाना एक खालीपन छोड़ गया है। अब कैसे हम उन सीन्स को संभालेंगे जो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, कैसे क्या होगा, किस तरह से कहानियों में चेंजेस लाए जाएंगे, कैसे हम सेट पे जाकर उन स्थितियों को फेस करेंगे। खासकर टीका जो है, वैभव जो लगातार 7 साल तक उसके साथ रहा, मेकअप रूम एक है, साथ में सो रहे हैं, तो ये एक तरह से बहुत अजीब सी दुखद बात है यार। ये तो अब समय ही धीरे धीरे, स्मृतियाँ तो नहीं जाएंगी लेकिन धीरे धीरे ही होगा, ये बहुत बड़ा खालीपन है। उनके मिसेस से नहीं, उनके भाई साहब से ज़रूर हमारी बातचीत हुई, और उनके भाई साहब ने जैसा कि हमें बताया कि शायद ये उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था। उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, व्यायाम करना और उसके बाद फिर खेल के मैदान में, और पता नहीं शायद खाने पीने में भी कोई ऊंच नीच ज़रूर रही। फास्टिंग वगैरह भी हम लोग आजकल बहुत एक्टर्स अपनी बॉडी को फिट करने के लिए रखने लगे हैं, पता नहीं वो सही है या गलत है ये हमें पता नहीं है, लेकिन बॉडी कई बार बड़े अनजाने तरीके से रिएक्ट कर देती है उसको, शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा मुझे लगता है। फिटनेस पे बहुत ध्यान, और हमें खुद गुरु सिखाता था, क्योंकि हम लोग बड़े हैं उससे, उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो हम लोगों को बोला करता था कि देखो सीरियल अभी 8वें साल में गया ना, हाँ अभी 14 साल होना मांगता है, ऐसे बोलता था, तो आप फिट रहिए, पेट निकल रहा आपका, बार बार पेट पे मारता था मेरे, और अपने पेट शर्ट ऐसे उठा के कहता देखो 6 एब्स ये देखो। कोई ऐसी बातें जो आपकी याद आ रही है? इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छी करता था, मतलब जैसे सीन में कोई चीज़ अपनी तरफ से जोड़ दी, मतलब वो राइटर ने नहीं लिखी लेकिन अपनी तरफ से जोड़ दी, तो वो एक अलग ही सीन को मोड़ दे देता था। उसमें लगता था अरे यार ये रख लो, ये लो, आम आदमी बहुत पसंद करेगा, और वो क्लिक होता था जोक हमेशा, और वो हमको भी बोलता था, आसिफ भाई को भी बोलता था, और कई बार जब हम कहते थे नहीं यार ये मज़ा नहीं आया, तो कहता कोई बार नहीं, अगली बार बिकेगा, इस बार छोड़ देते हैं। मतलब कहता मैं बेचता हूँ, जोक बेचता हूँ, तो बाकायदा ऐसे बोलता था। टाइमिंग सेंस बहुत अच्छी थी कॉमेडी की, बहुत अच्छी टाइमिंग सेंस थी, और ख़ासकर भाषा की बहुत समझ थी, जो टिपिकल कनपुरिया भाषा बोली जाती है ना उसकी बहुत सेंस थी उसको, जैसे कुछ शब्द इस्तेमाल कर अरी मुरी मैया, ये उसने अपनी तरफ से ही किया था, ये राइटर ने नहीं लिखा था, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ देना, तो बहुत दुख है। शुक्रिया। काफ़ी बहुत जन इमोशनल में, बहुत जन शॉक हुए, सोच रहे थे क्या कुछ हुआ, आपको भी काफ़ी देखा, काफ़ी लोगों ने देखा कि आप उस दिन काफ़ी इमोशनल थे, तो कुछ कहना चाहोगे सर? कहना यही चाहूँगा कि यार घर का कोई सदस्य चला जाता है तो आदमी की क्या हालत होती है, कोई हालत शायद हमारी है, भाई चला गया तो दुख तो होना ही है, कोरोना भी आएगा, सब चीज़ें, 1-2 साल का साथ नहीं था, 7 साल का साथ था, उससे पहले 3 साल FIR में थे, 10 साल पूरे थे, और 10 साल कैसा एक बाउंड हो जाता है हम लोगों का, आप समझ सकते हैं, पूरे दिन रात हम लोग साथ रहते थे, 12-12 घंटे हम लोग एक साथ काम करते थे, घर कम था, स्टूडियो ज़्यादा था, शूटिंग ज़्यादा थी, एक एक चीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते थे, खाना साथ खाते थे, पानी साथ पीते थे, चाय साथ पीते थे, एक एक चीज़ पे हम लगे हुए रहते थे, कोई चीज़ अधूरी नहीं थी, कछूती नहीं थी हम दोनों से, और मस्ती करता रहता था एवरी टाइम, वो एक चंचल बच्चे की तरह, उम्र तो उसकी 41-42 साल का हो गया था, लेकिन एक बचपना था, एक बच्चा था जो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहता था, और वो कुदा के मारता रहता था एवरी टाइम, मैं थका रहता था क्योंकि मेरी उम्र भी उससे ज़्यादा है, सब चीज़ें हैं, तो वो मेरे से राय लेता रहता, कई बार मैं डांटता भी था उसको, नाराज़ भी होता था, फिर मनाता भी था कि यार ऐसा नहीं, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें जो एक फैमिली में चलती है वो होती थी वहाँ पर,
कभी फील ही नहीं हुआ कि वो मेरे लिए स्टूडियो है, वहाँ हम शूटिंग करने जाते हैं, कुछ नहीं जाते। ऐसा लगता था कि अपने घर से उठ के दूसरे घर में चले गए हम लोग। तो एक बहुत बड़ा लॉस तो है यार, ज़िंदगी भर याद आएगा वो, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम दो जिस्म एक जान थे, और बड़ा मुश्किल होगा उसको बुलाना ज़िंदगी भर। जब तक हम शायद जाएँगे तब तक तो पॉसिबल नहीं कि उसको बुला पाएंगे। मैं तो नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़। माता रानी ईश्वर उसको जो है अपने चरणों में स्थान दे, खुश रखे, जैसा वो यहाँ खुश था ना, अपने आप खुश रखता था वो, गाने गाने गाता था, मस्त रहता था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, सब चीज़ें करता था। ऐसा ही जहाँ भी रहे वहाँ भी करता रहे, वो खुश रहे, दिमाग में कोई लोड नहीं था उसके। हम जरूर लोड लेते थे उसको, ये तो क्या कर रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहा है यार। मैं तो उसको पल पल समझाता था, सब चीज़ें करता, नादानियाँ करता था ना, तो स्वीट था, सबका चाहता था। तो काफ़ी शौक लगा है, क्योंकि जब हम देखते हैं इंस्टाग्राम में उनके वीडियोस, फिटनेस के वीडियोस, काफ़ी फिटनेस पे ध्यान भी देते थे, मैं चर्चा भी कर रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बहुत फिटनेस पे ध्यान, बट सडनली ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फिटनेस पे ध्यान शुरू से देता था। जब मेकअप रूम में घुसते थे तो अपने ऐप्स दिखाता था, तो मैंने कहा यार मेरी ऐप्स तो अलग तरह की है, तेरी अलग तरह की, मुझे कुछ समझ में आती नहीं ये चीज़ें। लेकिन वो बहुत अपने बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस रहता था, वो था उसमें, और कोई प्रेशर वेशर कुछ भी नहीं था उसका। जब भी मौका मिलता था वो एक्सरसाइज करता था। हाँ, शादी के बाद में बच्चा होने के टाइम में थोड़ा बहुत हल्का सा लेजी हो गया था, क्योंकि होता ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, जो पहले आप यंग अपने उसमें होते हो, तो ये थी इतना ज़्यादा कुछ ना, कुछ टेंशन था, लोड था, मस्त था अपनी ज़िंदगी से, वो सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा था। तो लाइफ में मतलब काम करने का समय आया था उसका, हम लोग संघर्ष हमने साथ किया है। 2004 में मैं आया, 2005 में वो आया, हम लोग मुलाकात करते थे स्ट्रगल डेज में, बसों में, लोकल ट्रेन में, हर जगह हम मिलते थे एक दूसरे से, एक दूसरे का जो स्ट्रगल था वो शेयर करते थे, कहाँ कहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब तब से उसके साथ में मुलाकात थी। हम जो बंधे हैं रिश्ते के अंदर, वो तो हम भाभी जी में बंधे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि वो इतना संघर्ष किया था, दिन रात एक किए थे उसने, क्योंकि हम लोग अकेले आते हैं, अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के आते हैं। मुझे वो दर्द मुझे पता था, वो उसको भी पता था वो चीज़ें, तो मेरे सामने आया था, देखा था उसको, और ऐसे कर करके तिनका 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 जोड़ के उसने वो एक मुकाम बनाया था, यहाँ पर आया था वो, और उसने आप देख रहे हैं कि सब कुछ बना लिया था उसने, परिवार पूरा हो गया था उसका, एस्टैब्लिश हो गया था। अब तो उसका कुछ करने का टाइम था। अभी चार दिन पहले मुझे बोला था यार, मुझे वो लौंडे बोलता था कि हम दूसरे को भाभी जी के लौंडे बोला करते, तो हम आपस में ये बोला करते, बोला लौंडे यार, अब घूमने जाऊँगा यार, वाइफ को लेकर टाइम नहीं मिल पाता यार, लेने जाऊँगा, मौसम अच्छा हो रहा है। लेकिन अब सब कुछ चला गया उसके साथ ही, भगवान उसको खुश रखे, अपने चरणों में स्थान दे, उसकी आत्मा को शांति दे, बस यही चाहता हूँ। सर पहले तो जाना था, काफ़ी आप क्लोज थे उनके, उस समय भी काफ़ी आप क्लोज थे, अब क्या कुछ हुआ, कुछ डिटेल में आप बता सकते हैं? 7:20 सुबह का वक्त था, और मैं अपने यहाँ से मैं यहाँ रहता था, तो हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते थे, हम साथ में उतरे, और उतर के हम बस साथ में जा ही रहे थे, तो वो मुझे दिख गया, और मुझे दिख के उसने, वो मेरे पास भागा आया, और मेरे पास भागा के आके बोला, भाई चलो यार टाइम आ गया अपना, चलो स्टार्ट करते। मैं बोला यार तू आज कैसे आ गया, क्योंकि यूजली दीपेश का सैटरडे को शूट रहता था। तो बोला नहीं यार आज मेरा 1 बजे का कॉल टाइम है, और मैंने सोचा कि थोड़ा खेल के चले जाऊँ। तो हम लोग दोनों भाई कंधे में कंधा हाथ डाल के जा रहे थे, और बहुत सपोर्टिव था वो मेरे हर काम के बारे में, हम लोग काम के बारे में डिस्कस, क्योंकि हम एक ही फ्रेटर्निटी से थे, तो हम काम के बारे में डिस्कस बहुत करते थे। तो जा रहे थे साथ में, तो पूछा कि आपका क्या नेक्स्ट आ रहा है, मैंने बोला तेरा क्या हो रहा है। अभी उसे बातें करते करते हंसी मजाक करके हम अंदर पहुँचे ही, कि उसने, वो बॉलिंग टीम में था, मैं बैटिंग टीम में था, मैं उसके पीछे खड़ा था, और उसने बॉलिंग करनी शुरू करी, उसने पूरी 6 बॉलें डाली जब वो घूमा और मेरे पास आया, मेरे हाथ में उसकी टोपी थी, वो टोपी लेने जब मेरे पास आया, तो उसको एक ऐसा पेन शुरू हुआ, और वो सडनली कोलैप्स होते 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 मेरे पैर पे आके गिर गया। मैंने उसको पकड़ा, संभाला, और मैंने उसको देखा, तो वो धीरे धीरे उसकी सांसें बढ़ने लग गई थी, और वो चीज़ एक ऐसा हो गया कि मैं शॉक हो गया कि मैंने दीपेश को ऐसा कभी देखा नहीं, और ना ही वो कभी ऐसा कोई पेन या कुछ ऐसा उसको मैंने तकलीफ़ या मैंने उसको बीमार कभी नहीं देखा। और वो इतना एक्टिव, इतना जिम करने वाला बंदा, ज़िंदगी को अच्छे से जीने वाला बंदा, हंसाते रहने वाला बंदा, सडनली ऐसा मैंने उसको देखा, मेरे हाथ पैर एकदम नम हो गए थे। और हमने उसी वक्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया, और एम्बुलेंस के आने का हमने वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत उनके नंबर्स काफ़ी, ये डायल करिए वो डायल करिए। उतने में मैंने बोला गाड़ी निकालो, और हमने गाड़ी में जैसे उसको ले गए, तो हॉस्पिटल में उसको
डिक्लेयर किया गया कि ही इज़ नो मोर। एंड वो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा कोप अप होने में, बिकॉज एक दोस्त है आपका और एक आप एक दोस्त को खो देते हो, लेकिन जब आप उस दोस्त को आप अपने हाथ में खोते हो तो उसका जो दर्द और वो जो पेन और वो जो दिमाग में 24 आवर्स होंगे, मीडिया वाले फ़ोन करते रहते पूछते रहते हो, बार बार वो चीज़ दोहराना दोहराना बताना मुझे भी बहुत तकलीफ़ दे रहा था। एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वो बहुत 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 बड़ा एक दिल में ना होल कर गया मेरे। एक होता है कि आप एक चीज़ को, मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि उसका बच्चा है मीत और मैं उसको गोद में, हम जब भी शाम में वो आता था वॉक करता था, सुबह 12 या 1 बजे जब उसकी शूट लेट होती थी, रात की शिफ्ट होती थी, तो बच्चे को गार्डन में लेके आता था, तो गोद में मैं उसके बच्चे को लेके हम खेलते थे, हम लोग, मैं यहाँ पे बिठा देता था, चाचू बुलवाता था वो। और मैं कंपोज़र हूँ तो उसके बच्चे को गाने का बहुत शौक था, वो अभी से आ करता रहता था, तो मुझे बोलता था भाई मेरा सपना है कि मैं मेरे बच्चे को सिंगर बनाऊँ, मैं इसके लिए ये करूँगा वो करूँगा। सारी चीज़ें अभी बस रह गई है, और बट मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं मीत के लिए कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में, और मैं कर लूँगा तो मेरे दोस्त को मेरी एक प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगी। एंड तो दीपेश जहाँ भी है बस खुश रहे, एंड ये लॉस हम बहुत टाइम लगेगा आपको पप होने में। एंड मैं प्लीज़ कहूँगा कि आप जो लोग, कुछ लोग हैं जो रॉन्ग रूमर्स फैला रहे कि वो जिम कर रहा था, वो बाजू की बिल्डिंग के बच्चों के साथ जाके खेल रहा है, ये सब ना करिए, क्योंकि वो आपको जब पता नहीं तो आप प्लीज़ ये ना बोलिए। ऐसा कुछ नहीं था, वो पढ़ा लिखा आदमी था, उसको नॉलेज थी कि उसको अपनी बॉडी को कितना एग्जर्ट करना है। वो सुबह उठा, उसने आके चुपचाप आके वो अपना खेलने आ रहा था हमारे साथ, कोई उसने जिम नहीं करी, कोई उसने वो पड़ोस की बिल्डिंगों में जाके उसने कोई उछल कूद नहीं किया। तो प्लीज़ ज़रा सेंसिटिव रहिए और ये सब चीज़ों का, ऐसा गलत चीज़ों को नहीं फैलाइए। थैंक यू।